Hello students, the topic that we are going to do today is common errors. कोई भी competitive exam हो आपको ये question ज़रूर आता है finding the errors. Sometimes it is for 5 marks, sometimes it's for 7 marks or 8 marks. इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो है subject verb agreement. Very important. आज हम rules करने वाले हैं या कौन से main concerns होते हैं आप किस तरह से find out कर सकते हो कि okay इस sentence में subject और verb में mismatch है और यहाँ पर error है. The first thing is if the subject is singular, the verb is singular, and if the subject is plural, the verb is plural. तो सबसे पहले बात करते हैं कि subject होता क्या है. In case of English language, the structure is subject, verb and the object. So यहाँ पर जो हमारा subject होता है, ये verb है और ये object है. Verb is always dependent on the subject. अगर हमारा subject singular है, तो automatically हमारा verb singular होगा और वो किसी भी tense में हो सकता है. It can be in a present tense, past or future, or simple, continuous, perfect, anything. So verb जो है, वो अपनी form को change करता है according to the subject. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि subject होते कौन से हैं, किस-किस तरह के होते हैं. सबसे पहले जब हम बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मेनली इट इज़ योर फर्स्ट पर्सन, देन वी हैव इज सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. अब पहले पूछते हैं या जानते हैं कि ये होते क्या हैं. फर्स्ट पर्सन भी इनमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल को डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अगर हम सिंगुलर्स की बात करते हैं या प्लूरल्स की बात करते हैं, सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है. अगर मैं बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, लेकिन आई हमेशा एक होता है. सो ऑब्वियसली आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. लेकिन आई के केस में कई बार हम कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आई जो है वो हर टेंस में अलग अलग उसमें जाता है. कभी कभी वो सिंगुलर माना जाता है, कभी कभी हम उसे प्लूरल भी मान लेते हैं, और कभी कभी किसी किसी टेंस में वो अलग भी हो जाता है. ये सारे एरर्स जो हैं ये हम अपने टेंसेस में करेंगे, जो बहुत कॉमन एरर्स में आएंगे. तो आई को वैसे देखा जाए एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट हम उसे सिंगुलर मानते हैं, लेकिन वो हर टेंस में अपनी पोजीशन चेंज करता है. बेसिकली वी कैन से वो एक तरह से दल बदलू है, थाली का बैंगन. ना तो वो सिंगुलर में हमेशा फिट रहता है ग्रुप में या प्लूरल में, तो कभी सिंगुलर में चला जाता है, कभी प्लूरल में, और कभी अलग हो जाता है. एज अ फर्स्ट पर्सन आई के अलावा जो दूसरा होता है वो है हम, वी. सो वी इज ऑलवेज इन अ प्लूरल कैटेगरी. तो फर्स्ट पर्सन वो होता है मैं या हम. सेकेंड पर्सन जिसमें हम बोलते हैं वो होता है आप, तुम. अब तुम मीन्स यू, बट यू कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, यू कैन बी प्लूरल ऑल्सो. अगर मैं एक जने से बात करी, ओ यू, यू हैव कम, तो यहाँ पर एक जना आया है तो मैं उसे लिए यूज़ कर रही हूँ. लेकिन और प्लूरल के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं, लाइक यू, यू. बट हम प्लूरल हमेशा यू को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, उसे कभी भी सिंगुलर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. यू इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन कोई और, लाइक हम किसी और की बात कर रहे हैं. फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड आप हैं, थर्ड कोई और है. सो इस केस में अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वो ही हो सकता है. अगर एक लड़का है, एक लड़की है, तो शी हो सकती है. अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है या एक सिंगुलर भी हो सकता है. जैसे अ गर्ल, एक लड़की, एक है ऑब्वियसली. अ चेयर, एक है. सो उस केस में हम यहाँ पर सिंगुलर भी डाल सकते हैं और एक नाम भी डाल सकते हैं. लाइक रोहित और सीमा, वो एक ही जने का नाम है, सो दे आर योर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. वहीं पर प्लूरल की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरल के केस में हम यूज़ करते हैं दे, वह. तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट एज अ थर्ड पर्सन कम्स दे. तो ये हैं हमारे मेनली जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल में करते हैं. लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल्स. अब हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स लुक इन टू सम एग्जाम्पल. लाइक इफ आई से ही
dash to market. So we can say like he goes to market because he jo hai hamara wo hamara ek singular subject hai. So he ke sath jo verb aayega wo aayega singular subject, that is goes. He goes to market. Lekin agar main kehti hu hum market jate hain ya aap market jate ho, to us case mein hoga if aap hai you. So jaisa maine kaha ki you hamesha ek plural ki category mein aata hai, so you dash to market. So यहाँ पर आएगा you go to market. अब इसमें आप फर्क देखेंगे, यहाँ go है यहाँ goes है. अब किस तरह से हम एक singular subject को एक normal verb को singular या plural decide कर सकते हैं? तो जब हम एक verbs की बात करते हैं usually, तो verbs हमारे normal case में वो plural ही होते हैं, like come, go, sit, stand. सो एक नॉर्मल वर्ब जो होता है वो हमेशा एक प्लूरल फॉर्म में ही रहता है. इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब्स के साथ एस, ई एस और आई ई एस लगाते हैं. वर्ब्स तब प्लूरल से सिंगुलर बनते हैं जब हम उनके साथ एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं. सम केसेस लाइक इफ आई से कम इट्स कम्स, सिट इट्स सिट्स. लेकिन अगर ई एस है लाइक गो गोज, shop shops. So उस केस में हम यहाँ पर उसे चेंज कर, जैसे कॉपी कॉपीज, स्टडी स्टडीज. सो हमेशा एक वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट. इन दैट केस वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. उसे प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें हमेशा एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं, तब एक वर्ब जो है वो हमारा सिंगुलर बन जाता है. वहीं पे अगर मैं कहूँ नाउन, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी नाउन की, लाइक इफ़ आई से चेयर, अगर मैं चेयर बोलती हूँ तो चेयर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं. नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है. नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए या तो हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ब्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म इज़ ऑलवेज प्लूरल. उन्हें हम सिंगुलर बनाते हैं बाय एडिंग एस, ई एस और आई ई एस. और वहीं पर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे सिंगुलर होते हैं, उन्हें प्लूरल करने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं, लाइक क्लास क्लासेस, चेयर चेयर्स. सो उस तरह से उनको हम एस और ई एस ऐड करके हम नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं. जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, ही गोज टू मार्केट एंड वी यू गो टू मार्केट. अगर मैं कहूँ दे, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही की जगह अगर सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख देती हूँ, अगर मैं कहती हूँ रोहित, सो रोहित भी एक सिंगुलर है, एक ही जने का नाम है. सो विद दिस ऑल्सो इट विल ऑलवेज बी गोज. तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप बात कर रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा. इस केस में भी हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अब हम उसकी बात करने वाले हैं. लेट्स लुक इनटू दैट. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की और कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं जो हमने अभी बात की. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, सो इफ आई से ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप यहाँ देखेंगे ब्रेड है और बटर है, कहने के लिए ये दो चीज़ें हैं. लेकिन यहाँ पर आप सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वर्ब देखते हैं तो हमने सिंगुलर लिया है. कई लोग कहते हैं अरे एंड लगा के तो कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड अलग खा रहे हैं और बटर अलग खा रहे हैं. बटर हमेशा ब्रेड के साथ लगा के खाया जाता है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर आपने बटर लगाया,
और उसके ऊपर फिर आपने ब्रेड लगाई, लेकिन अगर ये नहीं भी लगाते हैं तो भी एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर आपने बटर को अप्लाई किया, तो इस तरह से जब आप उसे खा रहे हैं तो वो एक यूनिट, एक सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम एक मानते हैं, हमेशा उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर अगर हम ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं तो वो एक यूनिट बन रहा है, एक सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने इसके साथ हमारा जो वर्ब लगाया वो इज़ लगाया। अब जैसे वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स हमारे जो होते हैं वो हमारे हमारे मेन वर्ब्स हो सकते हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब, मेन एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, और दूसरे जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब्स मेनली वो होते हैं जो सिर्फ लिंक करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, बट एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जैसे सिट, स्टैंड, कम, गो, स्लीप, लाइक दैट, जो किसी तरह का एक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर इस जो है वो एक तरह से हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब अगर मैं कहती हूँ कि आई बॉट, देर इज़ अ शॉप विच सेल्स ब्रेड एंड बटर, सो अगर मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द शॉप, अब यहाँ पर मैं जब बात कर रही हूँ तो आप देखें सेम पैटर्न है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर ब्रेड और बटर एक यूनिट नहीं पर दो यूनिट गिनी जा रही हैं, माने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेड हम अलग से खरीदते हैं, कभी भी ब्रेड के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री बटर नहीं मिलता है, या ब्रेड के साथ ज़रूरी नहीं है आप बटर लें, हो सकता है आप जैम लें, आप एग्स लें, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं ब्रेड के साथ बटर, तो बटर यूजुअली ब्रेड के ऊपर लगा के खाया जाता है, इसलिए वो एक यूनिट बन जाता है। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग यूनिट्स माने जा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, इसलिए यहाँ पर जो हमने वर्ब लगाया है दैट इज़ आर प्लूरल वर्ब। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ राइस एंड करी, राइस एंड बीन करी इज़ माई फेवरेट, आई लाइक, राइट, सो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। अब यहाँ पर राइस एंड करी इज़ my favorite, और कढ़ी चावल इज़ my favorite, तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर राइस एंड करी, ऐसा नहीं है कि आप राइस अलग खा रहे हैं और करी अलग खा रहे हैं, हम राइस के अंदर ही करी को मिक्स करके खाते हैं, तो उस केस में ये जो है हमारा वो हमारा एक यूनिट माना जाता है, एक सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हम इसके साथ जो वर्ब लगा रहे हैं वो सिंगुलर लगा रहे हैं। सो ये आप करेंगे, एट द एंड ऑफ द लेसन वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गेट बैक टू अस फॉर फर्दर क्वेरीज। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। इंग्लिश में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा जो वर्ब होता है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ तो वर्ब हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और इसी चीज़ का आपको एरर्स फाइंडिंग में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। वर्ब इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर सब्जेक्ट। अब पहले अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो ब्रॉडली हम सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन कैन बी योर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वन कैन बी योर प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब इसमें बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को फर्दर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन यूजुअली वो होता है जो बात कर रहा है, यानी कि मैं या हम, जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा हमेशा आई या वी होता है। अब आप मुझे बताइए कि आई या वी आपके लिए सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। सोचिए, आई, आई यानी कि मैं हमेशा एक ही होता है। कहने के लिए हम आई को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, बट आई जो होता है हर टेंस के हिसाब से अलग अलग पोजिशन लेता है, किसी केस में वो सिंगुलर के साथ जाता है, किसी केस में वो प्लूरल के साथ जाता है, और कभी कभी आई अलग भी हो जाता है, जो कि हम टेंसेस में देखेंगे एरर्स के अंदर। तो आई, वी टेक इट एज सिंगुलर बट डिपेंड्स ऑन द टेंस, टेंस के हिसाब से ये मेनली डिफाइन होता है कि ये सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा।
we यानी कि हम, so we को हम कहाँ रख सकते हैं, plural की category में रख सकते हैं. We is 100% a plural subject. Second होता है जिसे हम कहते हैं second person. Second person यानी कि आप, जिनसे आप बात कर रहे हो, you. कहने के लिए you एक भी हो सकता है, like you और you. लेकिन you को हम हमेशा plural की category में रखते हैं. कभी भी you को singular की category में नहीं रखा जाता है. So you is always a plural subject. When we talk of the third person, in that case, third person मतलब कोई तीसरा आदमी जिसके बारे में शायद बात हो रही है. So if अगर वो कौन से हो सकते हैं, सोचिए क्या हो सकते हैं, it can be he, she, it और किसी का नाम हो सकता है या नाम के साथ कोई सिंगुलर भी चीज़ हो सकती है. तो या इसमें एक दे भी होता है. अब देखते हैं he या he मतलब एक लड़का, right? एक यानी कि सिंगुलर. सो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. शी मीन्स अ गर्ल, एक लड़की. सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट. इट इज अ पेन और समथिंग. इट मीन्स अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ वन, सो इट इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब किसी का नाम या किसी चीज की बात करते हैं. नाम यानी कि इफ आई से देव, सो देव किसी एक जने का नाम होगा. सो ऑब्वियसली इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. या अगर मैं कहूँ पेन, पेन, टेबल, बोर्ड, एक. जब हम एक चीज की बात करते हैं, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स. लेकिन अगर हम बात करते हैं दे, दे मीन्स वह, बहुत सारे लोग. सो बहुत सारे जहाँ होंगे, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लूरल. सो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ योर प्लूरल सब्जेक्ट्स. सो जैसा मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल हैव अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स विल हैव अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट आई. सो आई के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो किस में जा रहा है. डिपेंड्स ऑन द टेंस बेसिकली, बिकॉज इन एवरी टेंस दे चेंज सिंगुलर टू प्लूरल एंड समटाइम्स अलग भी हो जाते हैं. वो हम टेंसेस में करेंगे. चलिए अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इससे रिलेटेड. लेट्स लुक इन टू दीज एग्जाम्पल्स. ही डैश टू मार्केट एंड दे डैश टू मार्केट. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स को हम पहचानेंगे कैसे, कि वर्ब्स हैं कौन से. जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स और दूसरा जिन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सिर्फ वर्ब्स को लिंक करने का काम करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. लाइक ये प्रेजेंट टेंस में हमारे एम, इज और आर होंगे, और इन केस ऑफ पास्ट इट इज़ वाज एंड वर. ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. ये अगेन जैसे हमने कहा सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से डिवाइड होते हैं. एंड इन केस ऑफ एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स को हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर चेंज कर सकते हैं. इन्हें हम नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हैं, इनको नहीं चेंज कर सकते. एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जैसे जो एक्शन दिखाते हैं हमारा, जैसे कम, गो, सिट, स्टैंड, स्लीप, राइट. जो किसी तरह का एक्शन दिखाते हैं उसे हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं. वर्ब्स एक नॉर्मल केस में हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. दे आर ऑलवेज प्लूरल, जिसे हम वी वन फॉर्म भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑलवेज प्लूरल. और एक वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है, या तो हम उसमें एस ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं या आई ई एस ऐड करते हैं. एक वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे कम है तो उसमें हम सिर्फ एस लगाते हैं, इट बिकम्स कम्स. अगर हमारा गो है तो उसमें हम ई एस लगा के उसे गोज कर देते हैं. या स्टडी है, स्टडीज, कॉपी, कॉपीज. सो इट डिपेंड्स, हम कहीं पे एस लगाते हैं, ई एस और आई ई एस, सो दैट मेक्स अ वर्ब फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. लेकिन वहीं पर अगर हम वर्ब नाउन्स की बात करते हैं, दे आर ऑपोजिट. नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मिलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग एस और ES. So please remember students that the verb is always in a plural form. उसे plural से singular बनाया जाता है और nouns हमेशा singular form में होते हैं और उन्हें singular से हम plural बनाते हैं by adding s or es, like chair, chairs, pen, pens, like that.
Now, let's do this example. Agar main kehti hoon, he dashed to market. So, yahan pe humne lagana hai, market kya karte hain? Ab jaate hain, right? So, he, the verb is the sing, I mean the plural, the normal is go. But because the subject is singular, hume isse singular banana padega. So, it is he goes to market. Wahin par agar hum they dekhte hain, so they is a plural subject. To plural ke saath simple, go ka go simple form, first form hi aa jayega. अब यहाँ पर अगर मैं he को हटाकर इसकी जगह subject change कर देती हूँ या आपके sentence में आपको दिखता है एक subject कुछ और है अगर हम यहाँ पे you कर देते हैं तो obviously हमें पता है कि you तो plural subject है तो उसके साथ जो verb होगा हमारा वो plural होगा ना कि singular होगा so please be very careful about these things अगर आपका subject singular है तो automatically आपका verb भी singular होगा हमेशा verb change होता है subject के ऊपर कई लोग subject को change कर देते हैं verb के ऊपर please don't do this mistake हमेशा आपका verb dependent होता है subject के ऊपर इसीलिए इसका नाम ही subject verb agreement है basically so let's look into some other examples for that जहाँ पर लोग अक्सर confused हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे singular subject होगा या plural subject होगा So let's look into those examples. यहाँ पे तीन examples दिए हैं और इनमें कहीं ना कहीं शायद I'm not sure कि पक्का इसमें कुछ mistake है ही है. वो आप बताइए मुझे कि क्या mistakes हैं. Let's look into them. First one is one of my friend know Salman Khan. अक्सर लोग कहते हैं हाँ one of my friend is so and so. One of my friend is like this. So यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले अगर आप verb देखते हैं it is a plural verb. तो अब हम सब्जेक्ट की देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या है इज इट अ सिंगुलर सब्जेक्ट और इज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट पहले तो सबसे बड़ा एरर है वन ऑफ माय फ्रेंड दोस्त मेरा एक दोस्त हमने कहा नहीं हमने कहा मेरे दोस्तों में से एक सो ऑब्वियसली यहां पर होना चाहिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स ना कि वन ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से एक अब अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट है एक कोई एक दोस्त कोई एक आदमी तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो है हमारा सिंगुलर वर्ब तो ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पे वर्ब होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए सो इट हैज़ टू बी वन ऑफ माय फ्रेंड नोज सलमान खान वन ऑफ माय फ्रेंड्स नोज सलमान खान So, यहाँ पर error ये था. Now, let's look into the other one. The quality of bananas were not good. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केलों की? Bananas की? तो मेरे हिसाब से ये subject हमारा verb के हिसाब, verb subject के हिसाब से ठीक है. लेकिन यहाँ पर हम bananas की बात नहीं कर रहे हैं. इस sentence में हम bananas की quality की बात कर रहे हैं. Maybe आपने अपने friend से बोला bananas लाने के लिए और वो इतनी अच्छी quality के नहीं थे, थोड़े शायद गले हुए थे, problem था. तो यहाँ पर mainly हम बात कर रहे हैं quality की कि उन केलों की जो quality है वो अच्छी नहीं थी और quality singular subject है. So उसके हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं verb को, so linking verb singular में was या were होते हैं past में. So ये यहाँ पर इसको mismatch हो रहा है हमारे subject के साथ. So it should be the quality of the bananas was not good, ना कि were not good. लोग ध्यान नहीं देते कि आप बात किसकी कर रहे हैं आप बात उस क्वालिटी की कर रहे हैं ना कि उन केलों की क्वालिटी की बात हो रही है सो ऑब्वियसली इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा इट शुड गो विद इट इट शुड कंपाउंड विद इट इन केस ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस अ बैग ऑफ बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स आर कैरिड बाय द स्टूडेंट्स आप बस सोचिए कि इसमें क्या एरर हो सकता है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं किताबों की या नोटबुक्स की यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं अ बैग एक बैग जिसके अंदर किताबें भी हैं और नोटबुक्स भी हैं हम बात कर रहे हैं एक बैग की अ बैग क्लियरली उससे पहले लिखा गया है अ बैग ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स मतलब एक किताबों का बैग
और नोटबुक्स का बैग, यानी एक बैग जिसमें आपके बुक्स भी हैं और नोटबुक्स भी हैं, वो आजकल स्टूडेंट्स कैरी करते हैं. इट इज़ कैरीड बाय द स्टूडेंट्स एवरीडे. सो अब हम अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को देखते हैं, सो वर्ब हेयर इज़ अ प्लूरल वर्ब. सो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग. इट हैज़ टू बी अ सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब होना चाहिए क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो अ बैग ऑफ बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स इज कैरिड बाय द स्टूडेंट्स. सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस आउट हियर. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स नोज सलमान खान. द सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ बनानास वॉज नॉट गुड. अ बैग of books and notebooks is carried by the students. So please students, be careful. First look into the subject, then check the verb. Agar subject aur verb hamara match karta hai, then you don't have any error. Lekin agar wo match nahi kar raha hai, then there is a problem. So let's look into the second rule of this. Now let's look into the second rule. When the subjects singular or plural, they are connected with and, then the verb it always takes is a plural verb. Now, अब क्या होता है कि जब हम एक singular subject और एक plural subject को, या दो singular subjects हो सकते हैं या दो plural subjects भी हो सकते हैं, उन्हें and के साथ join करते हैं, तो and का मतलब है और, इसका मतलब वो एक और एक मिलकर दो बन गए. सो उस केस में हम हमेशा जो वर्ब लेंगे वो हमारा प्लूरल होगा. नाउ लेट्स सी, गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सपेंसिव. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की. ये दो मेटल्स हैं हमारे, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर. हमने इन्हें ज्वाइन किया एंड के साथ. अब इस केस में क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर दो बन गए, दो सब्जेक्ट्स बन गए, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स बन गए. सो गोल्ड एंड सिल्वर, उस केस में जो हमारा वर्ब होगा दैट विल बी अ प्लूरल वर्ब. सो गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सपेंसिव. सो एंड हमेशा दो सब्जेक्ट्स को, चाहे वो सिंगुलर सिंगुलर हो, प्लूरल प्लूरल हो, और इट कैन बी अ सिंगुलर और अ प्लूरल, वो उन्हें हमेशा प्लूरल बना देता है. और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्ब विल बी अ प्लूरल वर्ब. माई mother and father are coming to see me. मेरे माता और पिता, मैं यहाँ पर parents भी बोल सकती हूँ. My parents, parents कहने के लिए parents and नहीं लगा, लेकिन फिर भी parents का मतलब होता है माता पिता, right? But यहाँ पर मैंने अलग से बोला my mother and my father आर कमिंग टू सी मी. मेरे माता और पिता मुझे मिलने आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं. सो इट इज़ अ प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा. लेकिन इसी सेंटेंस में, इसी केस में, एंड के केस में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जहाँ पर एंड जो है वो उसे एक ही सब्जेक्ट रखता है, दो अलग अलग नहीं लगता है. सो लेट्स लुक इनटू दोज एग्जांपल्स नाउ. द एग्जांपल इज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अब यूजुअली लोग सोचेंगे अरे एंड लगा है इसका मतलब है सिंगुलर सिंगुलर, इट बिकम्स प्लूरल. लेकिन यहाँ पर ब्रेड एंड बटर जो है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि उन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स मानेंगे. क्यों? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इसी को हम समझते हैं. देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप एक ब्रेड ले लिया, आपने ब्रेड खा लिया अलग से और बटर अलग से खा रहे हैं, तो हमेशा बटर को ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा के खाया जाता है. अगर ये मेरा ब्रेड है, आपने इसके ऊपर बटर लगाया और फिर उसे खाया, तो ब्रेड और बटर जब हम खाते हैं हमेशा साथ में खाया जाता है, इसलिए हम उसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, ना कि एक प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल तब होता जब आप ब्रेड अलग खा लेते और बटर अलग खाते, लेकिन बटर को हमेशा हम ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं, तो उस केस में ये हमारा हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा. ब्रेड एंड बटर, पीपल वर्क हार्ड टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर.
So bread and butter यहाँ पर एक and लगने के बावजूद ये एक singular subject माना जाएगा और क्योंकि अगर ये मेरा singular subject है so automatically मेरा verb भी singular ही होगा. Don't get confused students, please. ये मत देखिए कि and लगा तो बस सीधा आप उसको plural मान लेंगे. Please look into it कि वो एक singular unit है या एक plural unit है. अब अगर मैं कहूँ for example, अगर मैं कहती हूँ कि bread and butter is sold at the shops. अब ब्रेड और बटर जो है वो हमारे शॉप्स पे मिलता है या बिकता है. यहाँ पर हम इसे ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड कहेंगे या आर सोल्ड कहेंगे. यहाँ पर हम इसे इज नहीं लेंगे बल्कि आर लेंगे क्योंकि ब्रेड और बटर अलग अलग भी बिकते हैं. ये नहीं कि आप ब्रेड लेंगे तो आपको साथ में बटर लेना ही लेना है. आप चाहें तो ब्रेड के साथ जैम और एग्स या कुछ और भी ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर बिकने की बात हो रही है. आप ब्रेड अलग खरीदते हैं, बटर अलग खरीदते हैं. मे बी आपके पास ब्रेड पड़ी है, आप सिर्फ बटर लेके आए हैं या ब्रेड के साथ आपने कुछ और लिया है. तो यहाँ पर जब बिकने की बात है तो वो हमेशा अलग अलग बिकते हैं, कभी इकट्ठे नहीं बिकते हैं. सो इस चीज़ में सेम है ब्रेड एंड बटर. यहाँ भी ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, यहाँ भी ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, लेकिन उनका यूजेज और सेलिंग ऑफ द मीनिंग इज़ डिफरेंट. यहाँ पर खाया जाएगा इकट्ठा लेकिन बिकेगा अलग अलग. सो उस केस में यहाँ जो हमारा वर्ब होगा दैट विल बी योर प्लूरल वर्ब, नॉट अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है. जैसे अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राइस एंड बीन करी इज माई फेवरेट. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ राइस और बीन करी की. राइस यानी कि चावल और बीन करी राजमा व्हाट वी से. तो हमेशा राजमा और चावल साथ में खाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपने चावल अलग बोल में ले लिया और बीन करी अलग बोल में ले ली तो एक चम्मच इधर से खा रहे हैं, एक चम्मच नहीं. हमेशा इन्हें मिला के खाया जाता है. और जब ये मिल गए यानी कि ये एक यूनिट बन गए, ये एक सब्जेक्ट बन गए हमारे, तो उस केस में इसके साथ जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम सिंगुलर लेते हैं, लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको जिन सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स लेते हैं डिस्पाइट उनके बीच में एंड लग रहा है. सो इन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स मानते हैं ना कि प्लूरल सब्जेक्ट्स.